सभी प्यारे साथियों को अनुसर का एक बार नमस्कार। आज हम लोग क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पीजीटी की सीरीज के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। मैं पहले आज 10 क्वेश्चन से शुरुआत करूंगा, अगर आप आगे कंटिन्यू परमिशन देंगे तो इसकी मैं क्वेश्चन की सीरीज आपको पूरी दे दूंगा और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम रिगार्डिंग द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द एस एंड पी ऑर्बिटल। पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, जो एस ऑर्बिटल है वो सॉलिड लाइन से दिखाई गई है और 2s के अगर मैं फार्मूला लगाता हूँ, जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं इसके लिए फार्मूले में अगर मैं नोड की कैलकुलेशन करता हूँ तो एन माइनस एल माइनस वन यानी कि 2 - 0 - 1 यानी एक नोड आएगा, जो मुझे साफ यहाँ पर एक नोड दिखाई दे रहा है। और 2p के लिए अगर मैं देखने की कोशिश करता हूँ, 2 - 1 - 1 टोटल 0, यहाँ पर कोई नोड नहीं आ रहा है जो लाइनें दिखा रही है। तो इसके ऑप्शंस को मैं चेक कर लेता हूँ कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, फिर मैं आपको जवाब देने की स्थिति में बनूंगा। 2s इलेक्ट्रॉन्स आर लेस शील्डेड, 2s इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस शील्डेड है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। एस यानी कि पी जो है वो ज्यादा शील्डेड है और पी ज्यादा शील्डेड इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक नोड बन रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात यह है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक जगह जीरो हो रही, तो मेरे हिसाब से फिर आंसर 2s इलेक्ट्रॉन्स आर लेस शील्डेड और 2p इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 2p इलेक्ट्रॉन्स आर लेस शील्डेड ये तो नहीं है, 2s एंड 2p दोनों नहीं हो सकते, p ज्यादा शील्डेड है ये पक्का है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस देन दैट ऑफ द 2p ऑर्बिटल, ये बात बिल्कुल सही एग्जैक्ट है। ठीक है, फिर आंसर यही हम लोग फाइनल कर लेते हैं। इस डायग्राम भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेव फंक्शन इज नॉट करेक्ट, यानी कि वेव फंक्शन से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट गलत है। देखते हैं, स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी। देखो, आपको पता होना चाहिए कि साई स्क्वायर जो होता है, साई स्क्वायर इसको हम लोग वेव फंक्शन बताते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही करेक्ट मतलब करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है, वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो द उसके बाद चल लेते हैं कि द एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ द गिवन टाइप ऑफ द ऑर्बिटल डिपेंड, ये प्रिंसिपल पर नहीं, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, तो यहाँ एजीमुथल होना चाहिए, फिर यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल नहीं, एजीमुथल क्वांटम नंबर होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर आंसर आप बी को टिक करेंगे, ये बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर लगाइए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में भी आते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड पर आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है बताने की आपको कोशिश करता हूं। तो यहां पर थर्ड क्वेश्चन में द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन आयन एम ट्राई पॉजिटिव जनरेटेड फ्रॉम द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 58, एटॉमिक नंबर 58 को अगर नोटिस कर पा रहे होगे तो ये सीरियम का एटॉमिक नंबर है और सीरियम का एटॉमिक नंबर में चलते हैं तो पहली बात तो ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, 4f सीरीज है और इस पर लगे हैं 3 पॉजिटिव। तो सीरियम का पहले हम लोग कन्फिग्रेशन में देखते हैं, 3 पॉजिटिव में तो 6s भी जीरो हो जाएगा और 5d भी जीरो हो जाएगी, 4f में केवल जीनोन यानी 54 55 बचेगा, 55 3 58। ठीक है, फिर यहाँ पर एक रह जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग इस कॉन्फ़िगरेशन को राइट मानेंगे, कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन को राइट दीजिएगा। नेक्स्ट पे आइए, फोर्थ वाले पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स फॉर फिलिंग द एटॉमिक ऑर्बिटल इज वायलेटेड, यहाँ पर कौन सा रूल वायलेट हो रहा है। तो देखिए, 2px में डालना चाहिए जबकि कंडीशन ये होना चाहिए 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1, इसका मतलब हुआ ये हुंस रूल ऑफ मल्टीपल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को जो है वो ओवेन नहीं कर पा रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर फिर ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव द सिमिलर एटॉमिक रेडियाई इन डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में हॉफनियम जिरकोनियम ऐसे हैं जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो यहाँ पर लिख देता हूँ जिरकोनियम हॉफनियम, सॉरी लैंथेनम पर लग गया टिक, जिरकोनियम हॉफनियम पर आइए। तो जिरकोनियम हॉफनियम जो है ये रीजन भी आपको बता देता हूँ, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनवाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सिमिलर शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटिशियम, ल्यूटिशियम का एटॉमिक नंबर
ल्यूटीशियम का एटॉमिक नंबर अगर देख पा रहा हूँ तो कितना होता है, पहले मैं देखता हूँ, ल्यूटीशियम 71 होता है ना, तो 71 एटॉमिक नंबर हो गया, यानी कि और ऊपर से दिया है 71 तो खैर दिया ही है, उसका मतलब ही खत्म हो गया, तो यहाँ पर ज़ेनॉन हो जाता है, ज़ेनॉन। और इसके बाद हम लोग लिखते हैं 4F लिखते हैं, फिर 5D लिखते हैं और 6S लिखते हैं, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और ये आपका 54 यानी कि 54 हो गया, और 54 2 56 हो गया 56। और अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ 3 पॉजिटिव तो तीनों चले गए, तो यानी 54 हो गया, और 54 और 256 और 52 और यहाँ 14, यानी 4 और 2 6 और 4 10 का 0 हाथ से लगा, 1 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 70 रह गया, और 70 और 1 71, ठीक यही कन्फिग्रेशन होगा। जब ये कन्फिग्रेशन होगा तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कट जाएंगे, ये भी गया, तो फिर 0 अनपेयर्ड आ जाएगा, तो यानी कि ए ऑप्शन, यानी हम चेक कर लें कि इसका ए सही होना चाहिए, ठीक है ना। कन्फिग्रेशन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 6th 7th वाले पे द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द नोबल गैस एक्सेप्ट दिया है, तो ये तो कन्फिग्रेशन हीलियम नहीं फॉलो करता, बाकी सभी नोबल गैसेस ये फॉलो करते हैं ना। बढ़िया क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को जरा एक बार आप सल्यूट करिए, तो फिर मैं फटाफट आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन और ढूंढ करके लाता हूँ जो एग्जाम में काम आएंगे। सॉल्यूशन ऑफ द एल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया आर डीप ब्लू, यहीं से पकड़ में आ जाएगा कि ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। रिएक्शन भी आपने पढ़ी होगी, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन ढूंढ लो, बस हो गया काम। ये है जनरेशन ऑफ द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इन सॉल्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियाई। तो यहाँ रेडियाई की अगर मैं बात करता हूँ तो नेगेटिव वाले सबसे बड़े होंगे, देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो यहाँ 8 हो गया, यहाँ पर सब में 10 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 10 10 10 10, और यहाँ पर अगर चल लो तो आपको दिखेंगे प्रोटॉन देख लो, न्यूक्लियर चार्ज देख लो, 9 हो गया, 10 हो गया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ 13, तो सबसे छोटा इसी का साइज, सबसे बड़ा इसी का होगा, तो आंसर फिर इसी को लगा ही लेते हैं, डी ऑप्शन को, ज्यादा सोचा सांची यहाँ पर करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये वाला निकालना पड़ेगा, तो आपको पता है जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर हो जाता है जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा जो होगा यहाँ जेड का मतलब 8 हो गया, माइनस सिग्मा निकालना पड़ेगा हमें, ब्रैकेट में निकाल देता हूँ, यानी कि ऑक्सीजन माइनस माइनस का हो गया 1s2 2s2 2p6, तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं 5 मान लेता हूँ, यहाँ पर 2 मान लेता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि 2 वाले को मल्टीप्लाई 2 इंटू अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, एन माइनस वन है, तो एन माइनस वन के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 0.85 से मल्टीप्लाई, 0.85 से करते हैं, ठीक है, और इस वाले को मल्टीप्लाई 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और 7 इलेक्ट्रॉन को हम लोग मल्टीप्लाई कितने से करें, 7 हो गए ना, तो दिमाग लगाइए 7 इलेक्ट्रॉन को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है ये वाला, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कारण ये है कि इसमें 7 ही कुछ है ना, 8 तो इलेक्ट्रॉन रह नहीं गए, तो मेरे हिसाब से तो जो आउट जो फील करेगा ना वो एक ही होगा ना। देख द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एट द, अच्छा पेरीफेरी पे पूछ रहा है, ओ आई सी, तो 8ों करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर हो गया 5 नहीं कंसीडर करने पड़ेंगे, 6 और 2 8ों करने पड़ेंगे, तो यानी कि अगर हम लोग 8 को मल्टीप्लाई करें तो कितने से करना पड़ेगा भाई, 8 को अंदर वाले बाहर वाले कितना होता है, 0.35 होता ना, तो ठीक है 8 इंटू 0.35, ठीक डन। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो जरा, ये 8 हो गई, वो तो बाद में कर लेंगे, ये माइनस लगा लो, यहाँ पर ये 8 हो ही गया, तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 1 17 हो गया, यानी कि 1.7 हो गया, प्लस में 8 पंजे 40, 8 3 24 24 और 4 28 हो गया, तो ये 2.8 हो गया, तो ये हो गया आपका 8 माइनस, ये हो गया आपका 7 7 14 15 5 ऐसे लगा, ये हो गया 4.5 हो गया, इसमें से घटाओगे तो 3.5 बचेगा, तो यानी है हाँ ठीक है बिल्कुल डन, इसका मतलब ये आंसर हमारा यहाँ पर एक्यूरेट आ जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हालांकि कैलकुलेशन थोड़ी सी मैंने लेट की, बाकी इजी तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरिन इज लोअर देन दैट ऑफ द क्लोरिन, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरिन जो होती है वो कम होती है इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही, पहला स्टेटमेंट सही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन ये है और फास्फोरस ये, साइज बढ़ गया है इसका, साइज बढ़ गया और साइज बढ़ने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो
इसकी भी कम होनी चाहिए, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से दोनों ही सही होने चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो मेरे हिसाब से ये बी सी ऑप्शन यहाँ पर आना चाहिए, 11th का सी ऑप्शन आना चाहिए है, ये बात ध्यान दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा फिलहाल एक बार। एक तो पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, नाइट्रोजन जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा एज कम्पेयर टू द फ्लोरीन। ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, बढ़ती नहीं है, एक्सेप्शंस तो मेरे हिसाब से नहीं है, फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसके बाद चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चले आते हैं। 12 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, द मेन ग्रुप एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज दे रखी हैं और ये वैल्यू दे रखी हैं, द एलिमेंट बिलोंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो 12वें क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, द मेन ग्रुप एलिमेंट, मेन ग्रुप है तो इसका मतलब है कि मेन ग्रुप तो हम लोग एस और पी ब्लॉक को ही बोलते हैं, एस ग्रुप को ही बोलते हैं, तो एस में अब ऊपर से नीचे आने पर क्या कर रहा है, मेन ग्रुप एलिमेंट हैज द फॉलोइंग फोर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज इन किलो जूल पर मोल होना चाहिए, है ना, मोलर किलो जूल तो नहीं, किलो जूल पर मोल होना चाहिए, एलिमेंट बिलोंगिंग टू विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो यानी डिफरेंस देख लेते हैं कितने का चल रहा है, ये दुगने का डिफरेंस चल रहा है और दुगने का डिफरेंस केवल शुरुआत में ही हो सकता है और वो भी सेकेंड में, तो फर्स्ट तो दिया ही नहीं है, अगर फर्स्ट होता तो एक बार को दिमाग कंफ्यूज होता है, तो एस ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक में केवल सेकंड ही ग्रुप दे रखा है, तो फिलहाल मेरे हिसाब से आंसर ग्रुप नंबर सेकंड में आ जाना चाहिए। एक बार आप इसको अगर कोई और एक्सप्लेनेशन पता हो तो मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है। द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ टिन हैज मोर मेटेलिक करेक्टर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है तो वो व्हाइट टिन के नाम से जानी जाती, तो मैं यहाँ पर व्हाइट टिन या बीटा टिन बोल सकता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जरूर लगाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हमें लगाना चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैटिनेशन इज नॉट करेक्ट, कैटिनेशन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन लीड टू डिक्रीज द कैटिनेशन, तो ये तो सही है, मतलब घटेगी, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कैटिनेशन इज हायर इफ द ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द स्मॉल साइज, ये भी करेक्ट है, ठीक है, कैटिनेशन ज्यादा होगी अगर एटॉमिक ऑर्बिटल ओवर स्मॉल साइज की करें, कैटिनेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन लॉन्ग चेन, बिल्कुल सही है, कैटिनेशन इज ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो कैटिनेशन इज ऑब्जर्व फॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैटिनेशन इज नॉट करेक्ट में यही स्टेटमेंट आना चाहिए, 14 का डी आना चाहिए। फिलहाल आप एक बार इसको चेक भी करिएगा जो आंसर्स मैं बोल रहा हूँ, अपनी बुद्धि भी लगाना, देखो फिर आ गया, लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट डिजॉल्व, लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट डिजॉल्व ऑल द एल्कली मेटल्स बाई सॉल्वेटिंग मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, हाउएवर अमोनिया इटसेल्फ इज नॉट रिड्यूस्ड बाई द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दिस इज बिकॉज, ऐसा हुआ क्यों, देखिए इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर रिड्यूसिंग पावर, ये तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी रिड्यूसिंग पावर नहीं लूज करते हैं, अमोनिया बाइंड्स टू द सॉल्वेटेड मेटल आयन एंड therefore cannot accept the electron, तो ये तो accept कर सकती है लेकिन ammonia नहीं करती, ammonia का nitrogen करता है, तो nitrogen atom in ammonia is already in lowest possible oxidation state, इसीलिए ही accept कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ammonia itself is not reduced, the solvated electron present in the solution, ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से आंसर जो होना चाहिए वो 15 का सी ही होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन है वो भी अमोनिया तो नहीं होगा, अमोनिया का नाइट्रोजन होगा विच इज ऑलरेडी इन लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तभी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द बेसिसिटी ऑफ द, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन, और पीजीटी एग्जामिनेशन में द बेसिसिटी ऑफ द पाइरोफॉस्फोरिक एंड ऑर्थोफॉस्फोरिक एंड हाइपोफॉस्फोरिक एसिड आर रिस्पेक्टिवली। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, फॉस्फोरस H3PO4 वो फॉस्फोरिक होता है, तो ऑर्थोफॉस्फोरस तो ये हो गया,
और है ना, पाइरोफॉस्फोरिक का मतलब हुआ अगर हम लोग दो ये गर्म कर देते हैं, दो दो मॉलिक्यूल गर्म कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब पहले तो हम इसकी निकाल लें, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल सा यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। पी डबल बॉन्ड ओ तो एक लगाना ही है, यहाँ पर एक OH लगाना, यहाँ पर एक OH लगाना, यहाँ पर एक H लगाना, H3PO3 हो गया, तो यहाँ पर दो ही वैल्यू आएगी, और दो वैल्यू केवल ए में और बीच वाले में दो वैल्यू केवल ए में और डी में दे रखी थी, यानी कि जहाँ से मुझे पता था मैं सेट से वहीं, तो यानी कि सेकेंड या तो ऑप्शन ये होगा, ए होगा या डी होगा। चलिए दूसरा पहला वाला है, दूसरा वाला हाइपोफॉस्फोरस चेक कर लेते हैं, यानी कि H3PO2 चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक आ जाएगी H3PO2 में, क्योंकि एच ओ हो गया, पी हो गया डबल बॉन्ड ओ, और H3PO2 ये हाइपोफॉस्फोरस हो गया, तो ये एक यहाँ पर भी दिया है और एक यहाँ पर भी दिया है। अब तीन चार में चेक करना पड़ेगा पाइरोफॉस्फोरिक, तो पाइरोफॉस्फोरिक एसिड का मतलब ये हुआ कि हम H3PO4 के दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं और उनमें से वाटर रिलीज करा देते हैं। तो सिंपल सी बात यह है, यहाँ पर लिखता हूँ H3PO4 के दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, तो बन गया आपका, यहाँ पर एक वाटर रिलीज कराना पड़ेगा, तो यहाँ 3 × 6 की जगह 4 हो जाएगा, H4 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, और OK8 की जगह 7 हो जाएगा। ये हो गया पाइरोफॉस्फोरिक एसिड, और पाइरोफॉस्फोरिक एसिड जब हम लोग बनाएंगे तो इसको यू बनाना पड़ेगा। यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर यानी कि 4 आने चाहिए। अब तो ये क्लियर हो गया कि ये 7 है ना, तो एक ओ हो गया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ हो गया, फिर OH हो गया, फिर OH, तो H3 हो गए, H4 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है। यानी कि पहला 4 यहीं पर दिया हुआ है, तो फिर हम लोग आंसर नंबर ए को एग्जैक्ट मानते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और एग्जैक्ट है ही, मानना नहीं है, एग्जैक्ट यही आंसर है। चेक कर लीजिए, मैंने डायग्रामेटिकली आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसको ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इसके बाद मैं 20 क्वेश्चन तक ले चलूंगा सीरीज को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ग्रुप, ये आपका 16 पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 16 में कुछ बातें बोली गई, क्या ये बातें सही हैं गलत, तो इनको हम लोग देख लेते हैं 17वें क्वेश्चन पर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ द सल्फर आर मोर न्यूमरस देन दैट ऑफ द ग्रुप 16। ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर आर मोर न्यूमरस, यानी कि जो 16 ग्रुप के बनाते हैं वो ऑक्सो एसिड सल्फर के तो बनाएंगे, लेकिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप, तो ठीक ही है, सल्फर फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल डी पाई पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है कि मुझे तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, इनर्ट पर इफेक्ट बिकॉज ऑफ डोमिनेंट, ये भी सही, तो तीनों ही सही लग रहे हैं। चलो देखता हूँ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन आर करेक्ट, तो मुझे तो तीनों ही ठीक लग रहे हैं, तो मैं क्या ए पे लगा दूँ आंसर, चलिए मैं तो ए पे ही लगाऊंगा फिलहाल। आप लोग भी चेक करिए, मुझे ये तीनों स्टेटमेंट ठीक समझ में आ रहे हैं, आप लोग भी इन पर नजर बनाए रखें, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे है। एस एफ सिक्स इज इनर्ट टूवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18वां है, और ये इस वजह से होता है कि एस एफ सिक्स जो है वो, अगर मैं देखता हूँ एस एफ सिक्स इज इनर्ट टूवर्ड्स द हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर बहुत ज़्यादा है और ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बहुत कम है ना, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बहुत कम है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर दिस, एस एफ बॉन्ड स्ट्रेंथ वेरी हाई है इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर की, तो ये तो ठीक है, गलत नहीं हुआ, सल्फर एस एफ सिक्स तो नहीं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो है ही नहीं, सल्फर डज नॉट पजस द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ द मॉलिक्यूल, होती है ये भी, एस एफ सिक्स कोऑर्डिनेटेड सैचुरेटेड ना, ए ऑप्शन पर मेरी नजर जा रही है कि ये ही आंसर, इसका मतलब नॉट अ रीजन, इसका रीजन ये नहीं हो सकता है। 19th पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19th में आइए, क्वेश्चन 19th क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो एनओ कैन बाइंड विद द मेटल आयन टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, बनाता है, एनओ टू नहीं बनाता, ये भी ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है इसका, और ये एनओ इज कलरलेस, ये ब्राउन होती है, ठीक है, बोथ एनओ एंड एनओ टू ऑक्सीडाइजिंग, एनओ टू इज रिडक्टेंट वाइल टू डाइमराइजेज, रिडक्टेंट टू डाइमराइजेशन वाइल एनओ डाइमराइज, नहीं एनओ टू जल्दी डाइमराइज होती है वाइल, नहीं ये उल्टा हो गया स्टेटमेंट, तो 19 वाले को मैं उल्टा मान रहा हूँ कि ये नॉट करेक्ट है, ये उल्टा हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब है ना, बढ़िया क्वेश्चन, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर चल लेते हैं जो आपके लिए बना है, 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20वां देखो भाई, 20वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेशियो रेडियस रेशियो रूल आर करेक्ट, रेडियस रेशियो यानी सॉलिड का क्वेश्चन है,
और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि रेडियस रेशियो क्वाइट ऑफन फेल्स व्हेन इट्स वैल्यू क्लोज टू वन ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू। ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। रेडियस रेशियो आर नॉट अफेक्टेड बाय द, इससे पोलराइजेशन से ये अफेक्ट नहीं होते हैं। फिर भी पढ़ लेते हैं, रेडियस रेशियो स्ट्रिक्टली वर्क्स इफ द आयंस ट्रीटेड हार्ड स्फीयर, ऐसा कंडीशन नहीं है। रेडियस रेशियो रूल विल नॉट वर्क इफ द आयनिक कंपाउंड ऑल्सो, नहीं ये भी नहीं है। तो फिर मेरे हिसाब से जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सेकंड ही होना चाहिए, है ना, सेकंड होना चाहिए। लेकिन एक बार रीडिंग और पर सेकंड तो है, ये तो निश्चित है, सेकंड है ये निश्चित है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी पढ़ते हैं तीनों स्टेटमेंट, नीचे ऑप्शन भी दे रखा ना, ए बी सी डी। रेडियस रेशियो ऑफन फेल्स, देखिए कभी कभी अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा रेडियस रेशियो वेरी कर गया, 0.8 समथिंग आ गया, तो उस समय आंसर भी नहीं आता। तो यार इस हिसाब से तो ये भी जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। और रेडियस रेशियो आर नॉट अफेक्टेड बाई पोलराइजेशन, अगर पोलराइजेशन हुआ तो कोवेलेंट करेक्टर जनरेट हो जाएगा, और कोवेलेंट करेक्टर में तो ये कंसिडर होगा ही नहीं, ये तो आयनिक में ही होगा, तो कतई यार गलत हो गया। तो इसका मतलब 20वां क्वेश्चन दिमाग लगाएगा। रेडियस रेशियो रूल स्ट्रिक्टली वर्क्स इफ द आयंस आर ट्रीटेड एज हार्ड स्फीयर, तो अगर मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो स्फीयर तो हार्ड बन नहीं है। तो यार ये तो एक भी सही मान रहा हूँ, तीन को भी सही मान रहा हूँ। रेडियस रेशियो विल नॉट वर्क इफ द आयनिक कंपाउंड शोज द पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि ये तो है ही गलत, तो गलत दिया ही है, तो इसका मतलब ये तो ये फिर सही हो गया, करेक्ट है ये स्टेटमेंट। तो 1, 3, 4 लगाऊं क्या करूं? चलो मैं फिलहाल आपका सजेशन भी चाहूंगा, मैं इसे 1, 3, 4 लगा रहा हूं, आपका व्यू भी इस पर चाहूंगा। योर व्यू, व्हाट इज योर व्यू इस क्वेश्चन पर, आपका क्यों, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस क्वेश्चन, और योर व्यू ऑन दिस क्वेश्चन, ऑन दिस क्वेश्चन, तो बताइएगा जरूर समझ के कि इसका सर आंसर सही है गलत है, क्या बी ही होना चाहिए या फिर ऑप्शन केवल जो है वो 2A होना चाहिए। अभी मेरे दिमाग में यही आया था कि केवल यही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आ गई कि पोलराइजेबिलिटी से कोवेलेंट करेक्टर जनरेट हो रहा है, तो फिर इसका मतलब मुझे फिर ये इस पे शक हो गया। तो प्लीज़ इसको सजेस्ट करिएगा, तो क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अगर आप ये चालू रखना चाहते हैं, और बताइए सर कि प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।